कुछ दिए रोशनी तो बिखेरते हैं लेकिन जरा देर से, और जब बिखेरते हैं तो पूरी दुनिया को अपनी चमक से चकाचौंध कर देते हैं। ये खिलाड़ी भी जरा देर से चमका, और जब चमका तो ऐसा कि पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। एक शानदार बल्लेबाज, बेहतरीन गेंदबाज और चुस्त फील्डर, वाकई ये खिलाड़ी दुनिया के सबसे महान ऑलराउंडर्स में से एक था। इनके करियर की शुरुआत एक बुरे सपने की तरह थी और अंत सुनहरे सपने की तरह। अपने पूरे करियर में इन्होंने खूब रिकॉर्ड तोड़े और खूब बनाए। हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के अब तक के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार ऑलराउंडर जैक्स कॉलिस की। आखिर क्यों इनकी ही बहन ने इनके आउट होने का जश्न मनाया था? इनके पिता की मौत और इनकी जर्सी नंबर का क्या कनेक्शन है, और कैसे ये खिलाड़ी अपने पिता के चलते विवादों से घिर गया था? आज की इस वीडियो में हम इनके खेल के अलावा इन मुद्दों पर भी बात करेंगे। तुम्हारे साथ बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। जैक्स हेनरी कैलिस का जन्म 16 अक्टूबर 1975 को केप टाउन साउथ अफ्रीका में हुआ था। इनके क्रिकेट में आने की वजह इनके पिता हेनरी कैलिस थे। खुद कैलिस भी अपने पिता को ही अपना आदर्श मानते हैं। कैलिस स्कूल के दिनों से ही क्रिकेट खेलते थे। यहां उन्होंने खुद को खूब तपाया। उनकी टीम की कोचिंग स्टाफ ने उनकी ऑलराउंडर क्षमता बहुत ही जल्द आंक ली। इनके खेल की बदौलत ही 1995 के अंत में इनका सिलेक्शन नेशनल टीम में कर लिया गया। लेकिन इनका शुरुआती करियर इनके लिए किसी बुरे सपने की तरह था। आप में से तमाम लोग यकीन नहीं करेंगे कि अपने पहले 7 मैचों में महज 8 के एवरेज से सिर्फ 57 रन ही बना पाए थे। इतना ही नहीं, इस दौरान केवल एक ही मौका ऐसा आया जब वो दोहरे अंक तक पहुंच सके थे। वो 1996 के वर्ल्ड कप के लिए भी टीम का हिस्सा थे, लेकिन उसमें से बहुत ज्यादा मौके उन्हें नहीं मिले, और जिनमें मिले भी उसमें वो पहले की ही तरह कुछ खास नहीं कर सके। ऐसी शुरुआती असफलता बड़े से बड़े खिलाड़ी का मनोबल तोड़ सकती है। हो सकता है कैलिस के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, तो ये भी गिरे, बार बार गिरे, लेकिन फिर उठे, और ऐसा उठे कि अपनी पिछली असफलताओं के कड़वेपन को अपने सुनहरे भविष्य की चमक से एकदम फीका कर दिया। साल 1997, मेलबर्न का मैदान। उस दौर में ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराना लोहे के चने चबाने जैसा था। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 309 रन बनाए, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका सिर्फ 186 रन पर ही ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 257 रन बनाए। साउथ अफ्रीका को मैच बचाने के लिए लगभग पूरे 2 दिन तक बैटिंग करनी थी, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन लग रहा था। 88 रनों पर ही 2 विकेट गिर चुके थे, और फिर मैदान पर उतरे नाकामयाबी का साया ओढ़े जैक कैलिस। और फिर कैलिस ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, उन्होंने मैदान पर खूंटा गाड़ दिया। इस मैच में कैलिस ने न केवल अपने करियर का पहला शतक ठोका, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से जीत भी छीन ली। कैलिस की इस पारी की बदौलत साउथ अफ्रीका ये टेस्ट मैच ड्रॉ करवाने में कामयाब रहा। इस पारी ने कैलिस के करियर की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। साउथ अफ्रीका ने 1998 में हुई ICC चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, और इसके सूत्रधार भी कैलिस ही रहे। ये इस टूर्नामेंट के 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच बने ही, साथ ही साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी जीता। साउथ अफ्रीका हमेशा से एक शानदार टीम रही है, लेकिन ये बात हैरान करती है कि अब का इकलौता ICC टूर्नामेंट है जो साउथ अफ्रीका ने जीता है। शायद इसलिए इन्हें चोकर्स भी कहा जाता है। साल 2000 में भारत को भारत में हराने का कारनामा भी साउथ अफ्रीका ने जैक कैलिस की अगुवाई में ही किया था। इस टेस्ट सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज एक बार फिर कैलिस ही रहे। 2001 आते आते उनके नाम का डंका पूरी दुनिया में बजने लगा था। अब तक वो टेस्ट और वनडे दोनों में ही दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन चुके थे। कैलिस टेस्ट इतिहास में उन चुनिंदा 4 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने लगातार 5 मैचों में सेंचुरी ठोकी हो। इनसे पहले ये कारनामा डॉन ब्रैडमैन ही कर सके थे। हालांकि कैलिस के बाद पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ और भारत के गौतम गंभीर ने भी इसे दोहराया था। कैलिस ने ऐसा 2003-04 सीजन के दौरान किया। कैलिस अपनी डिफेंसिव बैटिंग के लिए जाने जाते थे। उनके जैसा डिफेंस दुनिया के किसी भी बैटर के पास शायद ही मिले। वॉल ऑफ द इंडिया कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ जरूर अपवाद हैं। इन्होंने लगातार 20 सालों तक अपनी टीम के लिए नंबर 4 की पोजीशन संभाली। वो जब मैदान पर बैटिंग करने के लिए उतरते थे तो मानो पिच पर चिपक जाते थे। दरअसल वो अपनी बैटिंग से सामने वाले बॉलर के सब्र का इम्तिहान लिया करते थे। हालांकि कई बार ऐसे मौके भी आए जब इन्होंने अपने स्वभाव के ठीक उलट खेल दिखाया। 2005 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले एक टेस्ट मैच में केवल 24 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। ये टेस्ट क्रिकेट इतिहास का अब तक का सबसे तेज अर्धशतक था। 2007 में कैलिस ने 4 टेस्ट मैचों में 5 शतक जड़ दिए, और ऐसा करके उन्होंने न केवल अपना रिकॉर्ड दुरुस्त किया बल्कि रिकॉर्ड बुक मेंटेन करने वालों को भी डिस्टर्ब कर दिया। वो दुनिया के चौथे ऐसे खिलाड़ी बन बैठे जिसने 2 अलग अलग मौकों पर 4 टेस्ट में 4 शतक ठोके हों। पूरी दुनिया के बल्लेबाज और गेंदबाज इनके नाम से ही खौफ खाते थे। जब वो बैटिंग करने उतरते तो सामने वाले बॉलर का पसीना निकल जाता था, क्योंकि इसे मालूम होता कि कैलिस को आउट करने के लिए अब आगे भी पसीना ही बहाना है। वही जब इनके हाथ में बॉल आती थी तो सामने वाला बैटर घबराता था। ये दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर क्यों कहे जाते हैं, इसको समझने के लिए इनके आंकड़ों पर नजर डालिए। इनका बैटिंग एवरेज
एवरेज आपको हैरान कर देगा। दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को मात करता है उनका बैटिंग एवरेज। ये 166 टेस्ट मैचों में 55 से भी ऊपर का बैटिंग एवरेज रखते हैं, जबकि 238 वनडे मैचों में 44 से ऊपर का एवरेज। बॉलिंग में भी उनका रिकॉर्ड जबरदस्त है। उन्होंने टेस्ट में जहां 292 विकेट हासिल किए तो वनडे में 273। 2005 में इन्हें ICC प्लेयर ऑफ द ईयर से भी नवाजा गया, लेकिन उस वक्त इंग्लैंड के एंड्रू फ्लिंटॉफ भी दुनिया के बेहतर ऑलराउंडर में शुमार हुआ करते थे। उस दौरान दोनों में कड़ी टक्कर चल रही थी। यही वजह थी कि ICC को भी प्लेयर ऑफ द ईयर चुनने में सारी मशक्कत करनी पड़ी, और उस साल जैक कैलिस के साथ एंड्रू फ्लिंटॉफ को भी ये सम्मान मिला। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक बेहतरीन बल्लेबाज थे, लेकिन अक्सर उनकी धीमी बैटिंग उनकी टीम के लिए मुसीबत बन जाया करती थी। 2007 वर्ल्ड कप में जैक कैलिस ने 80 से भी ज्यादा के एवरेज से 485 रन बनाए। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे ज्यादा रन स्कोर किए, लेकिन उनकी धीमी बैटिंग से कई बार बड़े अहम मौकों पर उनकी ही टीम का मोमेंटम बिगड़ा। शायद उनकी धीमी बैटिंग ही वजह थी जिसके चलते उन्हें 2007 के T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में नहीं चुना गया। बेहद शांत और सौम्य दिखने वाले कैलिस ने भी टीम की उपकप्तानी छोड़कर अपना गुस्सा दिखाया। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में वो टीम में वापस लौटे। लौटते अगली 4 पारियों में 3 शतक जड़ दिए। ये न केवल 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच बने, बल्कि प्लेयर ऑफ द सीरीज भी हथिया ले गए। रुकना इस खिलाड़ी ने कभी सीखा ही नहीं था। कैलिस को एशिया में खेलना बड़ा रास आता था। एशिया में इनका बल्ला आग उगलता था। कैलिस ने एशिया में 25 टेस्ट मैचों में 55 से भी ज्यादा के एवरेज से 2000 से भी ज्यादा रन बनाए थे। ऐसा करने वाले एशिया के बाहर के वो पहले खिलाड़ी थे। लोग उन्हें भले ही एंकर बल्लेबाज मानते रहे हों, लेकिन छक्कों के मामलों में इनका कोई तोड़ नहीं है। कैलिस ने पूरे टेस्ट करियर में कुल मिलाकर 97 छक्के ठोके। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मामले में उनसे आगे 100 छक्कों के साथ केवल एडम गिलक्रिस्ट ही रहे हैं। जब ये आउट होते थे तो दुनिया भर के खेल प्रेमियों में उदासी छा जाती थी, लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ जब इनकी खुद की बहन ने इनके आउट होने का जश्न मनाया था। सुनने में भले ही अटपटा लग रहा हो, लेकिन है ये हकीकत। दरअसल 2009 में साउथ अफ्रीका में हुए IPL में कैलिस की बहन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए चीयर लीडर थी, और वही कैलिस बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स के लिए खेल रहे थे। दोनों के बीच मुकाबले में जब कैलिस आउट हुए तो चेन्नई की चीयर लीडर और कैलिस की बहन ने अपने जबरदस्त डांस के जरिए कैलिस के आउट होने का जश्न मनाया था। इनके जर्सी के पीछे भी एक राज है। असल में अपने करियर में एक लंबे समय तक 3 नंबर की जर्सी पहनते रहे, लेकिन जब 65 साल की उम्र में इनके पिता कैंसर के चलते इस दुनिया से अलविदा हो गए, तब उन्होंने अपने पिता की याद में 65 नंबर की जर्सी पहननी शुरू कर दी। कैलिस अपने पिता को ही अपना गुरु मानते थे, लेकिन एक बार वो अपने पिता की वजह से ही विवादों में घिर गए थे। कैलिस विवादों में तब आए जब इन्होंने मैच से पहले होने वाले नेशनल एंथम को गाने के बजाय चुप्पी साध ली। ऐसा वो लगातार करते रहे। विवाद इतना गहराया कि इन्हें साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने बुलावा भेज दिया, लेकिन इस दौरान कैलिस ने जो खुलासे किए उसने पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया। दरअसल उसी समय कैलिस ने अपने पिताजी को खोया था। वो अपने पिता के बहुत ही करीब थे। वो दोनों अक्सर ही साथ में नेशनल एंथम गाया करते थे। कैलिस ने बताया कि अपने पिता की याद में नेशनल एंथम को अपने दिल में ही चुपचाप गाया करते थे। कैलिस अपने पिता के इतने करीब थे कि एक समय उन्होंने क्रिकेट से लगभग किनारा ही कर लिया था। जब कैलिस को पता चला कि उनके पिता को कैंसर है, तो उन्होंने अपना समय पिता की देखभाल में देने का फैसला लिया। ये और बात है, वो अपने पिता को बचा नहीं सके। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार मैन ऑफ द मैच बनने का रिकॉर्ड भी कैलिस के नाम ही दर्ज है। कैलिस 23 बार मैन ऑफ द मैच बने। 9 बार ये प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रह चुके हैं, जो कि मुरलीधरन के बाद सबसे ज्यादा है। जितना बेहतर वो टेस्ट में थे, उतना ही वनडे में भी। वनडे क्रिकेट में कैलिस ने 32 बार मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता, जो किसी भी साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा है। इनके नाम एक और अनोखा रिकॉर्ड है। ये दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने अपने 150वें मैच में 150 रन बनाए थे। मैदान पर भले ही कैलिस चिपकू रहे हों, लेकिन मैदान के बाहर प्यार मोहब्बत की गलियों में वो दिल फेंक ही रहे। उनके अफेयर्स की लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो दिखने में बेहद हैंडसम थे। कोई भी लड़की आसानी से इन पर पैदा हो जाए। इनके अफेयर्स की लिस्ट में मिस साउथ अफ्रीका से लेकर तमाम मॉडल्स हैं। हालांकि इनकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद ही है। फिलहाल वो चार्ल एंजलिस के साथ हैं और दोनों की एक बेटी भी है। ऐसे हरफन मौला खिलाड़ी यदा कदा ही पैदा होते हैं, जो अपने हुनर से मैच का पासा किसी भी वक्त बदलने का मादा रखते हैं। नारा टीवी ऐसे महान ऑलराउंडर को सलाम करता है। आपके इस खिलाड़ी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।